हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आई रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो एंड तक देखो। एंड आज है सैटरडे, सो ऑफिस नहीं है। कल मंथ एंड था, बहुत ज़्यादा काम था तो थोड़ा लेट हो गया है। कल का ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, बट आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो गाइस, आप लोग ज़रूर देखना एंड तक। एंड ऑल्सो गाइस, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी ऐसा वीडियो बनाते रहे आपके लिए। अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिएगा। सो अभी आया था मैंने बाहर नहाने, एंड फटाफट से फ्रेश अप होके आगे का प्रोग्राम बताते हैं आज का ब्लॉग पे। सो घर पे दिवाली की तैयारी चल रहा है, साफ सफाई हो रहा है, एंड मैं भी थोड़ा सबके साथ हाथ बटा रहा था। एंड अभी हो गया काम लगभग। सो अभी नहाने के बाद लंच करके थोड़ा बाहर जाना है, कुछ शॉपिंग करना है घर के लिए, एंड देखते हैं क्या क्या चाहिए मम्मी से पूछ के। तो गाइस, ये मैं रेडी हो गया हूँ। आपको टाइटल से समझ में आ गया शायद ब्लॉग किसके किसके ऊपर बनने वाला है। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए। सो इट्स लाइक अ गेट टुगेदर है। बहुत दिनों बाद सब लोग जो स्कूल कॉलेजेस में एक साथ पढ़ते थे, अभी घर पे मिले हैं, तो थोड़ा घूम के आएंगे, थोड़ा पार्टी वार्टी करके आएंगे बोल के जा रहे हैं। तो चलिए लोकेशन बताते हैं आपको। तो गाइस, मैं यहाँ पे आ गया हूँ मेरे दोस्त के घर, एंड यहाँ से चिकन लेके जाना है हम लोग को लोकेशन पे। थोड़ा फटाफट काम कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए चिकन बन रहा है, एंड फिर जाएंगे लोकेशन पे। चलिए देखते हैं क्या बन रहा है, चिकन कैसा बना है, कहाँ तक पहुँचा है। सो गाइस, मैं घर चले आया था, रात हो रहा था जल्दी से फटाफट, इसीलिए जो लोकेशन के बारे में कुछ बता नहीं पाया आपको। बट पार्टी अच्छा था, सब दोस्त लोग गेट टुगेदर के लिए गए थे, एंड बहुत दिनों के बाद सब लोग एक साथ मिले थे। सो अभी घर पे आ गया हूँ, एंड घर का आज का स्पेशल डिनर बनने वाला है चिकन दम बिरयानी। तो उसी की प्रिपरेशन चल रहा है, आपको रफली बताऊँगा क्या है रेसिपी। एंड प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको रेसिपी डिटेल अगर चाहिए तो। प्याज फ्राई हो रहा है यहाँ पे, एंड चिकन मैरिनेट करके रख दिया है मैंने, आपको बताता हूँ। ये है मैरिनेटेड चिकन, इसको आधा घंटा रख के फिर कुकिंग के लिए लेके के जाना है। सो गाइस, ये अभी फ्राई हो गया है ऑनियन, इसको ऐसा रेडिश फ्राई करके मैरिनेटेड चिकन में मिलाना है बस। और अलग से ये मैंने चावल चढ़ा दिया था, चावल बासमती राइस करे तो अच्छा रहता है, बासमती राइस अच्छा बनता है भी। चावल लगभग बनने वाला है कुछ 50 to 60% कुक हो गया ऑलरेडी, एंड इसको बारी 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 से हम इसमें चिकन में डालेंगे। तो अभी फर्स्ट लेयर जाएगा, सो फर्स्ट लेयर डाल के उसके बाद थोड़ा और पका के नेक्स्ट लेयर डालना पड़ेगा। सो को बता दो।
गैस से ये बन गया है अपना बिरयानी। लग रहा है अच्छा बना है। एक बार नीचे भी देख लेते हैं चिकन कैसा पका है। गैस ये है चिकन हमारा, लग रहा है अच्छे से बन गया है। तो ये मैंने चावल और चिकन निकाल लिया था अलग से। आप देख सकते हो दिखने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये। हे गाइस, सो लेट्स क्लोज द ब्लॉग फॉर द डे। आई होप आप लोगों को पसंद आया आज का ब्लॉग, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके देन, लेट्स मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।